हेलो फ्रेंड, मैं फिरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। साथियों, आज ये देखिए मैं आपके साथ एसेस्टीसिया प्लांट की जानकारी शेयर कर रहा हूँ। इसे आप चाइनीज़ वायलेट के नाम से भी जानते हैं और इसमें पर्पल कलर के फ्लावर खिलते हैं। इसकी दो वैरायटी हैं मेरे पास और ये देखिए एक ये हरी वैरायटी है, इसमें भी फ्लावरिंग होती है और इसमें भी पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं। ये मैंने वेरीगेटेड जो पौधा लगाया था उसी की रूट से ये जंगली टाइप की एक ब्रांच निकल आई थी और उसी से मैंने इसको अलग करके लगा दिया था। तो देखिए इनकी पत्तियों में कितना खूबसूरत सा वेरीगेशन होता है और इनको ग्रो करना भी बहुत आसान होता है। इनकी छोटी सी छोटी कटिंग आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब धूप होती है, मई जून की जब गर्मी होती है, उस समय छाया में इसको लगा कर रखें। इसके साथ ही ठंड के दिनों में इसकी कटिंग आप नवंबर तक ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग को ना लगाएं। इस पौधे को आप किसी भी तरीके की मिट्टी में लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इसकी भी मिट्टी अन्य पौधों के मिट्टी की तरह वेल ड्रेन्ड बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ओवरवाटरिंग तो नहीं देखी गई, लेकिन बारिश के दिनों में या ठंड के दिनों में इसमें ओवरवाटरिंग हो जाती है। इसलिए इसकी मिट्टी को बहुत अच्छे से वेल ड्रेन्ड बनाएं तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और ये देखिए मेरा पौधा ज़मीन में लगा हुआ है और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसमें देखिए कलियाँ भी बन रही हैं, हर ब्रांच में कलियाँ हैं। इसमें बहुत अच्छा सा खूबसूरत फ्लावर खिलता है पर्पल कलर का और आजकल इसकी फ्लावरिंग का टाइम है। इस फ्लावरिंग के बाद ये डोरमेंट हो जाएगा और इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, उसमें भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और बहुत सुंदर दिखता है। इसकी हम प्रोपोगेशन की बात करें तो इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और छोटी सी छोटी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके सनलाइट की तो इसको फुल सनलाइट में लगाना चाहिए, लेकिन जब बहुत तेज़ गर्मी होती है उस समय इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डालना चाहिए। अगर ये सूखा रह जाता है तो ये अपनी पत्तियों को नीचे की ओर लटका देता है, इसलिए ध्यान रखें गर्मी के दिनों में इसको ठीक से पानी दें, अच्छे से पानी दें और बारिश में और ठंड में इसको ज़्यादा ओवरवाटरिंग ना करें। ये देखिए मैंने गेंदे के पौधे लगाए हुए हैं और उसी के बीच में मैंने इसको लगा दिया था तो ये अच्छे से ग्रोथ हो रही है। हालांकि मेरे गेंदे के पौधों में भी एक हफ्ते में कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से आपको कटिंग लेनी है और इसकी नीचे की पत्तियों को तोड़ दें, उसके बाद इस ब्रांच को लगा देंगे तो आप देखेंगे इसमें 3 से 4 दिन में रूट बनने लगती हैं। जैसे आप मास रोज़ की कटिंग ग्रो करते हैं ठीक उसी तरीके से ये बहुत जल्दी से ग्रो होने वाला पौधा है और बहुत सुंदर दिखता है। आप भी इस पौधे को लगा सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से नीचे से बहुत सारी ब्रांच निकली हैं और ये ज़मीन में लगा है इसलिए और भी अच्छे से इसकी ग्रोथ है। मैंने इनको पॉट में भी लगा रखा है और हैंगिंग बास्केट में भी लगा रखा है, उनका वीडियो मैं आपके साथ फिर से कभी शेयर करूँगा। अब हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की, तो इसको आप काउ डंग यानी कि नाइट्रोजन वाली जो फर्टिलाइज़र होती हैं वो इसमें आप दे सकते हैं और वर्ष में 2 बार इसको इसमें काउ डंग दे सकते हैं, एक तो अक्टूबर के समय और दूसरे फरवरी माह में इसको आप दे सकते हैं। इसके साथ ही आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे देते हैं तो इसके लिए पूरे वर्ष भर के लिए पर्याप्त रहता है। इसी के साथ अगर हम बात करें इंसेक्ट की तो इस पौधे में ऐसे तो कोई इंसेक्ट नहीं दिखाई देता है, लेकिन बारिश के दिनों में जो इल्लियां होती हैं या जो कैटरपिलर होते हैं वो इसकी पत्तियों पर लग जाते हैं और वो इसकी पत्तियों को ख़राब करने लगते हैं, जिससे इसकी जो पत्तियां होती हैं उस पर गोल गोल से सुराख हो जाते हैं और ये पौधा ख़राब लगने लगता है। इसलिए ध्यान दें ऐसे समय जब ये कीट आपको दिखाई पड़े तो इनके ऊपर नीम आयल का छिड़काव कर दें या जो मेलाथियन पाउडर होता है उसको राख में मिला करके और उस तब इसका स्प्रे कर दें तो ये कीट भाग जाते हैं। और इन कीटों की वजह से ये देखिए इस तरीके से सुराख से बन जाते हैं पत्तियों पर, जिससे ये पौधा बहुत ख़राब लगने लगता है। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा।
और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक लेकर आता रहूं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूं, धन्यवाद।